सितंबर के बीच में अपने चरम पर पहुंचने के बाद देश में कोरोना मामलों में अब 50% तक की गिरावट देखने को मिली है। मामलों के बढ़ने की स्पीड के मुकाबले में ये गिरावट तेज है। देश में पिछले 7 दिनों में डेली मामलों का गुरुवार को रोलिंग औसत 47,216 था। ये 17 सितंबर को मिले 93,735 मामलों का लगभग आधा है। कोरोना वायरस मामलों में ये 50% की गिरावट महज 42 से 43 दिनों में हुई है। रोजाना मौतों के 7 दिन के औसत पे भी तेजी से गिरावट हो रही है। 19 सितंबर को जहां देश में 1,176 लोगों की कोरोना वायरस के चलते जान गई थी, वहीं 29 अक्टूबर को ये संख्या 50% की गिरावट के साथ 543 तक पहुंच गई थी। रोजाना मिलने वाले कोरोना के मामले और मौतों की संख्या जुलाई में मिलने वाले आंकड़ों के बराबर है। 27 जुलाई को कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 46,760 थी, वहीं मामलों की संख्या 17 सितंबर को दुगनी हो गई। रोजाना होने वाली मौतों के मामले में देश का आंकड़ा 15 जुलाई के बराबर है। उस वक्त 7 दिन का रोलिंग एवरेज 538 था। इसे अपने चरम पर पहुंचने के लिए 19 सितंबर तक का समय लगा, यानी 65 दिन। वहीं गिरावट की बात करें तो मरीजों की औसत मृत्यु का आंकड़ा 41 दिन में 50% कम हुआ है। इस बीच देश में ताज़ा कोरोना संक्रमण मामले लगातार घट रहे हैं। देश में कुल कोविड-19 मामलों की संख्या 80 लाख तक पहुंच गई है। दिल्ली उन कुछ राज्यों में से एक है जहां शुक्रवार को ताज़ा मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि मामलों के बढ़ने की स्पीड तेज नहीं है। शुक्रवार को महाराष्ट्र में सिंगल डे नंबर्स के मामले में तेजी, जबकि मृत्यु के मामलों में कमी दर्ज की गई। राज्य में कुल 16 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि लगभग 43,000 लोगों ने अपनी जान महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के चलते गंवाई है। शुक्रवार को राज्य में 6,190 मामले सामने आए, जबकि 127 लोगों की जान चली गई। इनमें मुंबई में 1,145 मामले सामने आए। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।